पतंजलि और बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में अब आरोप लगाया गया है कि उनके हर्बल टूथ पाउडर दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व हैं और इसे शाकाहारी के रूप में गलत तरीके से ब्रांड किया गया। अब अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को इस बाबत नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया जो इसके उत्पाद बनाती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। वकील यतिन शर्मा की ओर से दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन की पैकेजिंग पर एक विशिष्ट हरा बिंदु है जो कि शाकाहारी उत्पादों का प्रतीक होता है, लेकिन पैकेजिंग पर सामग्री की सूची में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि टूथ पाउडर में सीपिया ऑफ सिनेलिसिस यानी खारे पानी में रहने वाली कटल फिश है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये गलत ब्रांडिंग है और यहाँ तक कि रामदेव और अन्य लोग भी उत्पाद को शाकाहारी के रूप में ही प्रचारित कर रहे हैं। अब इस पर वकील ने यह भी कहा कि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता एडवोकेट यतिन शर्मा ने आरोप लगाया कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेंग यानी कि कटल फिश नाम के मांसाहारी पदार्थ को यूज कर रही है। एडवोकेट यतिन शर्मा ने यह भी कहा कोर्ट से कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन लेबल लगाया गया है। अब इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया जो ये प्रोडक्ट बनाती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। याचिकाकर्ता यतिन ने यह भी दावा किया है कि योग गुरु रामदेव ने खुद ही एक वीडियो में यह स्वीकार किया है कि उनके इस प्रोडक्ट में कटल फिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद कंपनी गलत ब्रांडिंग कर रही है और मंजन को वेजिटेरियन बता रही है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता और उसका परिवार दुखी है क्योंकि वो केवल वेजिटेरियन प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। जब से उन्हें पता चला कि दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी भावनाएं काफी आहत हुई हैं। अब उत्तराखंड सरकार ने 17 मई को अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया गया था। आपको बता दें कि एक हाई लेवल कमेटी की तरफ से शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने अपने आदेश पर रोक लगाई। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड किया था। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया था और ये कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। भ्रामक विज्ञापन को लेकर पहले भी बाबा रामदेव कोर्ट की खूब फटकार सुन चुके हैं। अब एक और प्रोडक्ट को लेकर वो फिर से अदालती चक्करों में भी फंसे हैं और दूसरी तरफ विवादों में भी आ गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।